छोड़ देंगे। मैं आपको छोड़ दू और आप जाओ इसको बना के हलाओ, पहले शत्रु का विनाश करो, मात तो अपने ही है। श्री राम जय राम। मैं आपको मरूंगा, नारद जी ने कहा कि एक बात बताए सर, सत्यता ये सब कुछ युद्ध करना ये पाप है कि नहीं बोलो ना। ये भी नाकर में भी यही कहा, बोले हाँ हाँ हम जिसका निर्माण नहीं कर सकते उसका विनाश करने का हमको अधिकार। बोले फिर लोग क्यों करते हो? बोले इसलिए कि मेरा धंधा ही है। बोले ये धंधा तुम किसके लिए करते हो? बोले मैं एक परिवार वाला हूँ, मान लो जय मेरी माँ बाप उनका मरण प्रसूल रखता हूँ। बोले जिस परिवार के लिए तुम इतना पाप करते हो, अत्याचार करते हो, जब इन पापों का भुगतान होगा तो क्या तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी पत्नी, बच्चे तुम्हारे हिस्सेदार बनेंगे, दूसरा साथ देंगे तुम्हारा? रत्नाकर ने कहा कि बाबा मेरी घरवाली, मेरी माँ बाप मेरे ऊपर जान छेड़ते, मेरे उस मुसीबत के समय में मेरे माँ बाप मेरे पत्नी जरूर काम आएंगे। बोले तेरी गलत फहमी है, सभी है कर्ण के बंदे, हरि भी गलत प्यारा है, ये सब मतलब के लोग हैं। जब मतलब निकल जाएगा ना कोई तेरे को पूछने वाला नहीं है। रत्नाकर ने कहा कि बाबा तुमने शादी किया है? डाकू ने पूछा, बोले नारद जी आपके बाल बच्चे हैं क्या, आपने शादी किया है क्या? बोले शादी नहीं किया है। बोले फिर आपको क्या पता पत्नी और बच्चों का क्या है? नारद ने कहा कि हमने शादी तो नहीं किया लेकिन बड़ा तो फिर हमने भोग करके इन दुख सुख को नहीं देखा नजदीक से, लेकिन नारद उल्टे हुए हैं। हम जानते हैं कि मुसीबत के टाइम पर जो व्यक्ति कर्म करता उसी को सुख हमको कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अगर तुम्हें विश्वास न हो तो जाओ, डाकू से बोला कि रत्नाकर जाओ और अपने पत्नी और अपने माँ का बाप का परीक्षा लेकर के आओ, कोई काम नहीं आएगा, अभी भी जग जाओ। उसने कहा ठीक, मैं जाऊं घर में उनकी परीक्षा करने के लिए और तुम इधर टर्कम कम कुशल भवित। बोले नहीं मैं नारद तुम झूठ नहीं बोलता, तुम जाओ जब तक परीक्षा नहीं कर रही आओगे मैं नहीं जाऊंगा। जाओ। बोले मैं परीक्षा दूंगा कैसे, मुझे पूछा तो जाता नहीं है। कौन बोला? डाकू ने बोला मुझे तो पूछा तो जाता नहीं। तो फिर उन्होंने योग की क्रिया है, योग की क्रिया कुंभ, कुंभ क्रिया करने के बाद प्राणवायु को आदि प्रमाण में खींच लेता है। जीती पवन को वीर से कही हुई ध्यान कबो की पावन, जो लोग महात्मा लोग ध्यान करते हैं उनको बंद के द्वारा करते हैं, अपने तमाम पहलुओं पर रखी हुआ ट्रक करके एकाग्र और स्वयं से स्थित हो जाते हैं। तो कुंभन क्रिया करने के बाद नाड़ी पानी बंद हो जाती है, आदमी आम आदमी को लगता है कि मर गया, लेकिन वो जागृत अवस्था में सब क्रियाओं को देखता है, जानता है, सुनता है। कुंभन क्रिया की शिक्षा दे दी नारद जी ने। तो घर में आया, बोले माँ अपनी भूख लगी जल्दी लगाओ चाबी, बहुरानी चाबी लेकर के आ गई और रत्नाकर खा रहा था और पत्नी पंखा हाथ रही थी, उसके सारे टिंकू पिंकू डेडी डेडी अगल बगल में चक्कर काट रहे थे, बड़ा मंगल में वातावरण बना हुआ था। रत्नाकर ने कहा कि माँ बड़ी नींद लगी है मेरे बिस्तर लगा, बिस्तर लग गया और नाग बिस्तर को पहुंचा। उसके घर का उद्देश्य बताऊं, बीच में एक मोटा खंभा और चारों तरफ छोटे छोटे खंभे, मकान झोपड़ी घास की चारों तरफ चांद पल्ले से झोपड़ियां बनती है। देखो श्री राम जय राम, धीरे से बोलो श्री राम जय राम। झोपड़ी का मुख्य जो खंभा था बीच में था, उसकी तरफ पैर कर करके रत्नाकर सोया। उस खंभे के बीच में होल था, इन
इतना चौड़ा था कि दोनों हाथ पैर डाल दिए जाए तो चला बन जाएगा, लेकिन अगर इसे खोल दो तो फिर वो बोलो बाहर नहीं आ सकता। इतनी जगह के लिए जा सकता है लेकिन पैर खोल दे तो आ नहीं सकता पैर वापस। इस तरह से दृश्य बनाकर के गुरु जी की आज्ञा अनुसार सोया और अचानक रूप से पूछने के लिए अम्मा दर्द हो रहा है, लगता है कि मैं सुबह नहीं। माँ ने कहा बेटा तू ज्ञानवान है, धीरवान है, बलवान है, ताकतवर है, नौजवान है। माँ की बात पूरी नहीं हुई तब तक बाल मिट्टी मर गया। रत्नाकर डाकू मर गया और रोना पिटना शुरू हुआ था। पत्नी रो रही है, माँ बाप भाई बहन बच्चे मोहल्ले के लोग आ गए, वो भी रोने में जितना साथ देना था लोग जिए। बहुत देर हो गया तो लोगों ने कहा कि भाई बात सुनो, जो होना था वो तो हो गया, अब लाश को उठाओ, खराब करने से क्या फायदा, लाश को उठाओ ले चलो इसका अंतिम संस्कार करें। तो जब लोगों ने लाश को उठाया तो सारा शरीर तो उठ गया लेकिन पैर खंभे में फंसा, कहते मर गया, खड़ा हो गया। लोगों ने लाश को रख लिया और कहा कि भाई आई है, आई आ गया। तो खंभा को काटने चले जाओ गांव वाले कि ऊपर से और नीचे से काट के वो पीस निकाल रहे। तो जब काटने लगे खंभा को तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी पहुंची रत्नाकर की मां। बोले रे 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 क्या कर रहे हो, बोले मां ये पैर तो निकालना है तो खंभा काटना पड़ेगा बीच का पीस निकालने के लिए। बोले खंभा काटोगे तो पैर गिरेगा नहीं, बोले हाँ गिरेगा। तो बोले मेरा ले लेकर एक ही बेटा था, बड़े मुश्किल से उसने घर बनाया था, वो तो मर गया और तुम मेरे घर भी गिराना चाहते हो, खंभा नहीं कटेगा। बोले फिर निकलेगा पीछे। बोले बात सुनो, जो मेरा बेटा था वो तो मर गया, अब इसको जलाना तो है, तो ऐसा करो कि खंभा से बाहर जो पैर निकला है ना वो बाहर से काटो। डाकू की बात थी ना, डाकू को जन्म देने वाली दिल भी वैसे ही था। बोले बाहर से वो पैर काट दो, लाश को तो जरा नहीं है ना। गांव वालों ने कहा कि भाई हम ये काम नहीं कर सकते। गांव वाले कहते थे खंभा कटेगा और घर वाले कहते थे कि अब ये पूतू मैं हो भी रहा था, इतने में दरवाजे पर एक बात आ गए भिक्षा मांगने के लिए। भिक्षां देहि, तीन चार आवाज जब बड़ी कान में रोने वाले की आवाजों को चीरती हुई तो बुढ़िया ने देखा कि कोई दरवाजे पर बाबा आ गया। वो चूल्हे में जो लकड़ी जल रही थी वो जलती हुई लकड़ी गुस्से में लेकर के पहुंची कपाट पादू बाबा की। लेकिन जब पहुंची तो देखा कि भारत से दिलिंद्र पाट पालों के सूर्य की तरह अग्नि की तरह देखा सर चमक रहा था। दिल्ली पड़ गई, बोले क्या बात है बाबा, माता क्या बात है। बोले मेरा बेटा मर गया अभी अभी, अब तुम्हें देखी पड़ी है। बोले भारत ने कहा अच्छा बेटा मर गया, मुझे मालूम नहीं था माता, कितना देर हुई मारी हो। बोले आधा घंटा हो गया। बोले घर में दूध की कटोरा मिलेगा, अगर मिल जाए तो ले जल्दी, अगर वापस आता होगा तो पहुंचा भी नहीं होगा। देखते ही देखते दूध का कटोरा आया और महात्मा ने उसमें कुछ मंत्र उत्तर पढ़ा और कहा कि माता ये दूध तैयार हो गया। बोले फिर, बोले ये दूध तू पी ले, तू तो चल बसेगी लेकिन तेरा बेटा बुढ़िया ने कहा जब मैं ही चल बसी तो मेरा जिए चाहे मरे मेरे को क्या फायदा। ऐसा करो महाराज मैं तो नहीं पी सकती, मेरी बहू रानी को पिला। अब ये चुड़िया बुढ़िया तोड़ ताड़ करके छाती पीट रही थी, विधवा हो गई थी, इसको पिलाइए, बहुत अच्छी बहू है मेरी, ये
नहीं जाएगी, कोई नुकसान नहीं अपने बेटे का, दूसरा ब्याह करोगे। महात्मा जी ने बहू रानी को बुलाया, बोले बेटा आओ ये दूध पी लो। बोले फिर क्या होगा? बोले कुछ नहीं, तुम तो चल बस में तुम्हारा पति जी जाएगा। बोले महाराज जब मां नहीं पीती तो मेरे को क्या डॉक्टर ने बोला है, ज्योतिषी ने बोला कि मैं पीऊं? मैं क्यों? मेरे चार चार भाई हैं, दो मुंबई में रहते हैं, एक अमेरिका में रहता है। अरे मैं अपने भाइयों के अपने काम चला लूंगी, मुझे क्या दूध पीने चाहिए? बहू रानी ने कहा कि महाराज वैसे भी ये जो हमारे ससुर जी है 70-80 साल की उम्र है, वैसे भी ये चलने वाले हैं, दो साल में तो चले ही जाएंगे। आप ऐसा करो कि दूध ससुर को पिला। जब ससुर का नंबर आया तो उन्होंने कहा पिताजी जब देखा बुढ़वा ने तो आधा हाथ फिर तो उसको वही हुआ। और हिम्मत कर क्या बोले बाबा ये दूध पी लो, आप चल बसों में आपका बेटा जिला। हाथ जुड़ा बुढ़वा ने, बोले महाराज मैं जरूर पी लेता लेकिन मैं अपने घर वाली के लिए जीना चाहता हूं। मैं मर गया तो ये भी कल मर जाएगी और मैं नहीं चाहता कि ये मरे, मैं नहीं पी सकता। महात्मा ने फिर मां से पूछा, मां ने कहा नहीं मरी मैंने पी ली। फिर बहू रानी को पूछा, फिर बुढ़वा को पूछा, राउंड लगा रहे थे तो गांव वाले जो इकट्ठे हुए थे ना, उन्होंने एक दूसरे को कहा कि चल यार चलिए ही तुम, ये बाबा सबसे पूछ रहा है कि ऐसा लोग हमसे भी पूछ रहे हैं। देखते देखते जितने भी थे तो मैदान साफ। महात्मा ने दूध की कटोरी लिए हुए माता से पूछा कि माता नहीं पिएगी ना? बोले अक्सर मैं नहीं पीना। बाबा क्या पूछते? बोले माता मैं पीऊं। बोले महाराज श्रद्धा ना होता है तो लोग कल्याण के लिए होता है ना। हाँ आप भी लो महाराज, वैसे भी आगे पीछे आपके रोड़े धोने वाला है कौन? पी लो महाराज, भंडारा मैं आपकी करवा दूंगी, फिक्र नहीं करो। पी लो नारद जी ने दूध को पी लिया और उसके ऊपर हाथ रखा रत्नाकर पर, तो रत्नाकर उठ के बैठ गया और कहा कि मां से कि माता मैं अब चल बसने वाला हूं, मेरे मरने के पहले अपने बेटे को सारी कहानी सच्ची सच्ची बताओ, सब लोग अपना अपना ताकि मैं सुख से मर सकूं। माता ने आंखों में आंसू भरा, बोले बेटा तू चल पड़ा, खंभा काटने की बात कही, हमने पैर काटने की बात करी और फिर ये महात्मा आया, इसने दूध की कटोरी तैयार की, न मैंने पिया न तेरी घर वाली ने पिया न तेरे बाप ने पिया, अकेले महात्मा दूध पी करके अब जा रहा है। जब रत्नाकर ने मां के मुख से अपने परिवार वालों की ये वफादारी सुनी, उसकी आंखें खुली और उसने कहा अपने बाप के पहाड़ों को, बोले गुरु जी चरणों में गिर पड़ा, नारद के प्रभु मेरी रक्षा करो, मैंने जीवन जो महापाप किया है जिसका परिणाम दुखी दुख नर्क पता नहीं क्या क्या है, महाराज मेरे को बचा दो, मेरी रक्षा कर। चरणों में गिर पड़ा, नारद जी ने हाथ रखा सब, बोले कोई बात नहीं, रत्नाकर करोड़ों टन रुई हो इकट्ठा उसको जलाने के लिए माचिस की एक तिली काफी है, इसी तरह से मैं तुम्हें उपाय बताता हूं। रत्नाकर खड़े होगा, कोई बात नहीं तेरे सब पाप खत्म जाएंगे। बोलो राम, बोलो ना, अरे फिर से बोलो है। महाराज मेरे मुख से निकल नहीं रहा है जो आप बोलते हो, नहीं ये मेरे मुख से निकल नहीं रहा। बोले क्या निकलता है? बोले जीवन भर मैंने प्रैक्टिस किया है, मारा 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 की आदत पड़ी है महाराज, वो आदत छूटती नहीं। याद रखना मित्रों, सावधान, जीवन के किसी भी अवस्था में कोई भी अच्छी या बुरी आदत आपको लग सकती है।
अच्छी आदत तो चलो आपका घर का तैयार है, लेकिन बुरी आदतें एक बार जो पड़ गई ना वो छूटती नहीं है। चाहे जितना पड़ता डाल दो सुराख लो, लेकिन वो गलती तो होती रहेगी। एक बार एक बाबा के पास एक बुढ़िया पहुंची अपने पोते को लेकर, 10 साल का बच्चा लेकर। बोले बाबा इसको आशीर्वाद तो समझाओ, ये बिना गाड़ी के बात ही नहीं करता, चाहे माँ बाप भाई बहन कोई भी उगाल करता रहता है। पर अच्छा बेटा ये तो बड़ी जल्दी आ गया, गाली देता है। फिर हम अब तुम वायदा करो कि आज के बाद किसी को गाली नहीं दोगे। बोलो दोगे? उसने कहा ठीक है गुरु जी, आप कहते हो तो मैं किसी सारे को गाली नहीं दूंगा। अरे वो आदत पड़ गई है ना, अरे मारा मारा मारा। महाराज ने कहा मारा राम राम। उन्होंने कहा मारा 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 राम 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 राम। अरे उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। मारा 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 बोले कोई बात नहीं, तो मारा वाला कर बोले बजाते हैं ना। अरे छेना तो वो होता है, हाँ मजीरा। जल्दी बोलो क्या? गाओ इसको। मजीरा 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 मजीरा। क्या कह रहे हो? आपको मजीरा बोल रहा है। मजीरा 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 मजीरा। अरे मजीरा मजीरा कहते कहते राम जी आ गया, राम मारा 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 कहते कहते राम आ गया। ये उल्टा नाम जप करने वाला पूरे ब्रह्मांड में एक भक्त हुआ है, और वह है वाल्मीकि। श्री राम जय राम जय जय राम। तो भाव को भाव अनख्याल तुम, और नाम जपत मंगल दिशी तुम। हाँ श्री राम जय राम। देखो एक भक्त ने दुखी होकर के नाम जप किया, अब पंडित होकर, और उस भक्त का नाम जानते हो क्या? ध्रुव। जल्दी बोलो क्या? ध्रुव। ध्रुव के मां का नाम क्या था? आपने बहुत भागवत सुना है, किसी को याद है? वीर बहीन वही मैदानी सुनी थी। जल्दी बोलो ये सुनीति और सुरुचि दो माताएं हैं। सुनीति का पुत्र है, सुरुचि का पुत्र उत्तान पार। आपको मालूम होना चाहिए कि जब से छोटी रानी आई है तो बड़ी वाली रानी सुनीति का दर्जा डाउन हो गया, ग्रेट हो गया, दासी की जगह तक वो रह रही थी। लेकिन पति की सुनीति कोई बात नहीं, दासी बन करके रह रही है। एक दिन ध्रुव जी गए और अपने पिता के गोद में उछल करके बैठे, और जैसे पिता के गोद में बैठे सुरुचि आई और बाप पकड़ कर खींच दिया। बोले बड़ा आया बाप के गोद में बैठने वाला, अगर बाप के गोद में बैठता था तो मुझसे जन्म लेना था ना, सुरुचि से क्यों लिया? बस वो छोटा सा 5 साल का बच्चा रोता हुआ माँ के पास पूछा, क्या बात है बेटा? बोले पिताजी की गोद में हम बैठे थे तो मेरी माँ ने मुझे छिड़क दिया, नीचे उतार दिया, आप पानी कर दिया। अनक दुखी हो तो माँ सुनीति ने कहा कि बेटा मत रो, दरअसल तुम्हारे पिता जो है ना वो जंगल में रहते हैं, आप कभी ना कभी तुमको मिलेंगे, गोद में बैठाएंगे, रो मत। बोले जंगल में रहते हैं, मां मेरे पिता का
नाम क्या है? बोले उसका नाम है नारायण। कहाँ रहते हैं? बोले जंगल में। बोले मैं तो अभी हमने जगह में तुरंत जाकर के पिताजी को बोल बैठूंगा। और जंगल जाने के लिए वो भोला भाला बोले भाव मिले जरूर आया। बोले भाव मिले जरूर आया। मन प्रमोचन छाय चतुराई भजत कृपा करिए जरूर आया। कृपा का फूल मंत्र चला की जो श्रीराम जय राम। तो जैसे पढ़ने जाने के लिए बालक तैयार हुआ, मार रो रही है, मना रही है, बात भीतर पहुंची। महाराज उसके जो पिताजी थे, क्षमा करना प्रभु, गृहमंत्री हो रही है, तो पिताजी दौड़े दौड़े आए। वो सुरुचि भी आई और काम बंद जंगल बंद रखा, पिता के गोद में बैठे बैठे। पिता ने दिखा क्या बेटे, बोल देखा कि अभी मैं गया नहीं हूं, मैंने प्रोग्राम बनाया है जाने के लिए, तो दुर्लभ बोध था पिता का, वो मुझे मिल रहा है। जब जाऊंगा तो क्या होगा? नहीं माने, आगे चलने लगे। तो उसके पिता ने कहा कि राज प्राप्त हुआ है, गुरु की भक्ति और करूंगी, कि अभी मैंने प्रस्थान नहीं किया है, तो क्रोध भी मिल रहा है, राज भी मिल रहा है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मन ते सकल वासना भागी, अब तो केवल राम चरण लौ लागी, एक ही चल पड़े। और वो बालक डायरेक्ट से वेस कहां जा रहा है कुछ पता नहीं चला जा रहा था। बीच में एक महात्मा भैया श्री राम जय राम जय जय राम, प्रेम से बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। और महात्मा ने कहा कि बेटा कहां जा रहे हो? बोले पिताजी से मिलने। बोले तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? बोले उनका नाम नारायण है। जल्दी बोलो क्या? नारायण। उनका नाम विष्णु है। बोले बेटा इस नाम का जप कर, जप आज तेरे को मैं दीक्षित कर रहा हूं, मैं तुझे व्रत दे रहा हूं। और नारायण नारायण का जाप उनको दिया और ध्रुव जी चल पड़े नाम करते हुए श्री गुरु नारायण 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 नारायण। ये नाम का प्रदान
शब्द आता है, बोले नानक नाम जहाज है, आगे लिए नानक नाम जहाज है, चले सब करे I'm gonna
उन्हीं मार्गों का आश्रय लेकर हमने आपको बताया एक नाम एक हजार नाम को माना हमने आपको कहा तो है मानना न मानना ये मानना मानो ऋषि सातों दिन में आज हमने रोशनलाल मेहरा को कहा था कि जब हम इनके यहां भोजन करने गए तो हमने कहा कि अगर आप पूजा करना चाहते हो तो शाम को नहा होकर फ्रेश कपड़े पहन कर खाना। रामायण को हम साक्षात भगवान श्री राम का विग्रह मानते हैं। मैं स्वयं नहा कर आता हूं, नया वस्त्र पहन करके आता हूं। तो सात दिन आपके हाथ में है, जो भी रामायण का पूजन करना चाहे वह स्नान करके आए और वो पूजा करेगा। और जो लोग नहीं नहा कराए वो रामायण की पूजा के क्रम न करें, बिना बुरा माने, और बुरा मानते हो तो मानते रहो कि अपना प्रत्यान अगर हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। तो हमारे को किले का हाथ लगा सकते हैं, मेरे को चलेगा, इधर नहीं चलेगा, तेरा जयराम। तो हमारे कृष्ण जी लिखित आपको कल का कार्यक्रम बताएंगे, हम ही बता देते हैं सावधान कल से ये धारा प्रवाह रामायण की कथा चलेगी, उसका श्रवण लाभ प्राप्त कीजिए, बहुत कुछ आपको सुनने को मिलेगा। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय नमांशे रघुनाथाय रामाय सीताया पते नमः। उपस्थित सभी भक्तों की तरफ से कुछ बात प्राप्त करेंगे महामंडलेश्वर महामंडलेश्वर हंस पूज्य स्वामी श्री अर्जुन पुरी जी महाराज के माध्यम से चरण कमलों को प्रणाम करते हुए आज इस पावन पवित्र हिंदू सेंटर मंदिर में हम बंदे थे। एक छोटे कमेटी के सदस्य की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन का स्वागत करते हैं। पूज्य स्वामी जी के सेवक से हम मानस की कथा आए वाले सात निरंतर स्वामी जैसा पूज्य से ने बताया तब से हम मानस की कथा क्रमबद्ध तरीके से श्रवण करेंगे। यह हमारा आप सबका परम सौभाग्य है जो ऐसे विद्वान संत का सानिध्य हमें उस समय के लिए प्राप्त हुआ है। हमें इस समय का सदुपयोग करना चाहिए, भरपूर लाभ लेना चाहिए। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि अपने अन्य मित्रों को भी सूचित कीजिए, उत्साहित कीजिए ताकि वे लोग भी जो भी सात दिवस इस कथा के शेष बचे हुए हैं उन सभी दिनों में समुपस्थित होकर के और राम कथामृत को मानकर के अपने जीवन को धन्य प्राप्त कर सके। समय का विशेष ध्यान रखें, इस देश में बहुत कम समय हम संतों को दे पाते हैं। भारत के दो चार चार पापड़ घंटे लगातार कथा में श्रवण करते हैं, परंतु डेढ़ घंटे का मात्र समय है तो उसका सदुपयोग हमें करना चाहिए। समय से 10-5 मिनट पहले आप सभी मंदिर के प्रांगण में अवश्य ही समुपस्थित हो जाए। कल से और शनि मात्र का जो समय है सायंकाल 7 बजे से 9:30 बजे तक का है, एवं रविवार जिस दिन इस कथा का समापन दिवस है 1 सितंबर का जो समय होगा वह सायंकाल 6 बजे से और 7:30 बजे तक का है। मैं पुनः पुनः आप सभी की तरफ से पूज्य श्री के महावन श्री चरण कमलों को नमन करते हुए आज के इस प्रथम दिवस कथा को हम यहीं पे विश्राम देने जा रहे हैं।
पूरे सदगुरु जैसे हैं भजन सेवा के लिए सब बुक है पहले ही से बुक है जी जी सभी आठ दिन प्रसाद सेवा के लिए कोई भी दिवस खाली नहीं है यह आप सबकी कृपा है आपका प्रेम है जो मानस के ज्ञान युग में आप सबने प्रसाद की सेवा करा दी है पहले ही बुक करा दी है मैं आप सबको साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ अस्तु आज की कथा प्रसंग को हम विश्राम दे रहे हैं आरती से पूर्व आज की प्रसाद की सेवा जिस श्रद्धालु भक्त परिवार ने कराई है मंदिर के लोग श्री रोशनलाल गेरा जी एवं उनके धर्मपत्नी श्रीमती श्यामा गेरा एवं गेरा परिवार के सभी सदस्य ने लेकर के आज की भोग सेवा भगवान के भाव से चरणों में समर्पित की है भगवान से हमारी विनती है प्रार्थना है कि प्रभु मेरा परिवार की तरफ से समर्पित आज की भोग सेवा को स्वीकार करते हुए परिवार के सभी धर्म लोगों पर प्रभु अपनी कृपा देंगे अपना आशीर्वाद बलग्रस्त बनाए रखे इसी कामनाओं निवेदन के साथ आज की कथा प्रसंग को विश्राम अब आती हूँ सभी से आग्रह है कि आपके लिए खड़े होंगे आगे आएंगे धन्यवाद मेरा परिवार के सभी लोग कृपया आपके के लिए आगे आता है
Thank you.